हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। यूपीपीएससी स्टाफ ने स्पेशल एमसीक्यू बैच, जहां पर थ्योरी आप पढ़ के आते हो और एमसीक्यू मैं पूछता हूं आपसे। ये सिलसिला कंटिन्यू करते हुए आज एक नया टॉपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ टिश्यू। प्रीवियस क्लास में सेल का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने पढ़ा, जो भी एमसीक्यू सेल पे बनते उसको डिस्कस करते हुए कैरी ऑन किया। आज टिश्यू को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एक नया सिस्टम। रोज सुबह 10:30 10:30 से 11:30 यूपीपीएससी स्पेशल एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज। तो फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि जरूरतमंद, नीडफुल वो बच्चे पढ़ सके जो सच में पढ़ना चाहते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है तो इस क्लास के द्वारा कुछ हद तक मैं उसकी मदद कर पाऊं, तो इस लिंक को जरूर शेयर करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इकबाल खान, वेरी वालेकुम सलाम बेटा। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें यह कभी नहीं लिखा होगा मैंने हार मान ली। ये मैंने एक बार फिर से रिपीट किया बच्चों, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके इनर जो स्ट्रेंथ उसको लगातार जगा के रखना। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें यह कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। ये मेरा सिद्धांत है और यही मैं अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से एक्सपेक्ट करता हूं कि जिंदगी में कभी हार मत मानना। वक्त लग सकता है, सफल होने में वक्त लग सकता है, सब्र का इंतजाम हो सकता है, लेकिन कभी हार मत मानना, लगातार मेहनत करते रहना बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं, वन डे यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। तो याद रखिएगा बच्चों, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ का स्टोरी क्या होगा, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली, और यही मेरी जिद है। जब तक हूं मेहनत करूंगा आपके लिए, हमेशा तत्पर रहने की कोशिश करूंगा। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ऑफलाइन बैच की इंफॉर्मेशन लगातार आपको कैरी ऑन करवाते हुए, 5 अगस्त को जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइम सुबह 8 बजे से 12:30 बजे का होगा बच्चों, 8 से 12:30 बजे का होगा। कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का होगा और 30 दिन में 30 दिन क्लास होगी बच्चों, कोई छुट्टी नहीं होगी। और सबसे खास बात बताना चाहता हूं, ट्यूजडे को टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, जिसमें 150 एमसीक्यू आपको मिलेंगे बच्चों। वन वीक में जितना भी आपने पढ़ा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, उनका टेस्ट हर ट्यूजडे को होगा। उसके साथ हम लोग कंप्लीट नर्सिंग के साथ साथ रीजनिंग पढ़ने वाले, मैथ्स पढ़ेंगे, इमरजेंसी नर्सिंग हम पढ़ेंगे बच्चों, और इमेज बेस्ड जितने भी जहां क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। सिंपल तरीका इस ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए, ऑफर में क्लियर लिखा हुआ है कि 5 अगस्त तक एडमिशन लेने पर आपकी फीस 19,500 होगी, जो एक साथ जमा करना होगा। उसके बाद आपकी फीस 22,000 हो जाएगी बच्चों। उससे फीस बढ़ने से बचने के लिए आपको 9636032691 पे 1,000 रुपीज को फोन पे और पेटीएम करना होगा और अपनी डिटेल भेजना होगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हो माय लविंग फाइटर्स। तो ये जेआईएनसी जोधपुर की तरफ से ऑफलाइन बैच की डिटेल। जो बच्चा हॉस्टल में रहना चाहेगा उसके लिए 6,000 रुपीज फीस पर मंथ होगी, प्लस लाइब्रेरी उसके लिए फ्री होगी बच्चों, लाइब्रेरी का कोई चार्ज नहीं होगा, और आप जेआईएनसी गुरुकुल में बैठ के अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। ओके फाइन, फाइनली आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरी ऑन करें बच्चों। Here you can see everybody. Here you can see. आज का जो टॉपिक है, दैट वी कैन से टिश्यू, और टिश्यू में पहला एमसीक्यू। थैंक यू अशु यादव, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू वेरी मच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। कितना शानदार और इजी एमसीक्यू आपसे पूछा है। चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को हम कह सकते हैं कि दैट इज द टिश्यू। आपको याद होगा बदमाश बच्चों को, मैंने कहा था टिश्यू जो है, जिसको हम उत्तक बोलते हैं, टिश्यू को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। टिश्यू का मतलब जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता बच्चों, टिश्यू बनता है। मतलब कोशिकाओं का ग्रुप जो है वो उत्तक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर टू मेक टिश्यू। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। ओके फाइन, हियर यू कैन सी
ऑप्शन लिखा बच्चों ब्रेन, दूसरा लिखा ब्लड, लिवर और स्टोमक। क्विक आंसर पुट करेगा। एमसीक्यू पूछा जा रहा है टिश्यूज पे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। मैंने कहा था हर टॉपिक के एमसीक्यू आपके सामने लेके आऊंगा यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए स्पेशल डेली एमसीक्यू बैच में। ब्रेन, ब्लड, लिवर और स्टोमक, चार ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा टिश्यू का एग्जाम्पल है, कौन सा टिश्यू का एग्जाम्पल है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करिएगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने। शाबाश शाबाश शाबाश। लगभग 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। पुट द राइट आंसर एवरीबडी, पुट द राइट आंसर एवरीबडी। बिल्कुल बी ज्यादातर बच्चों लिखा है, आपका आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिएगा ब्रेन जो है, मैं बताना चाहता हूं बच्चों, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया और हार्ट हो गया। याद रखिएगा आपकी बॉडी में ये पांच वाइटल ऑर्गन होते हैं। पांच क्या होते हैं? वाइटल ऑर्गन होते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब इसमें से किसी एक ऑर्गन के अंदर भी यदि फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो एक दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो दीज आर द फाइव वाइटल ऑर्गन। तो ब्रेन क्या है बच्चों? ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क। ब्रेन दैट वी कैन से दैट इज अ वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन। इवन ब्रेन जो है दैट वी कैन से, इसको हम एनसेफेलॉन भी बोलते हैं बच्चों। ओके फाइन, उसके बाद देखते हैं ब्लड, लिवर, स्टोमक। देखिए जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा बच्चों, टिश्यूज पढ़ेंगे तो हम चार टाइप्स के टिश्यूज बोलते हैं। एक हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक बच्चों हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू, एक हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। जब हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज के फर्दर बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें एक टाइप्स आता है बच्चों फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल यदि हम देखें तो सबसे पहला आता है, एक तो ब्लड आता है, ब्लड को फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और दूसरा बच्चों लिम्फ आता है, लिम्फ को भी हम फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के टिश्यू जिसको हम फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, एक आपका ब्लड और दूसरा दैट वी कैन से लिम्फ, दूसरा दैट वी कैन से लिम्फ। याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है कि विच इज द फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, आपको आंसर देना ब्लड और दूसरा आंसर देना दैट वी कैन से लिम्फ। दूसरा टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज अ कंपोज ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल। कौन से टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है या वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है ना बच्चों, आपके सामने ऑप्शन पुट किया। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल, स्टेटिफाइड एपिथेलियल, कॉलुमनर एपिथेलियल। आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर? थैंक यू सो मच अजू राधे। आपके पास चार ऑप्शन है, एक का आंसर पुट करना बच्चों। मैंने पूछा है कि वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो सेवरल लेयर ऑफ सेल का बना होता है, सेवरल लेयर ऑफ सेल का बना होता है। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू सो मच। क्विक आंसर लिखिएगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। चारों में से एक राइट होगा। आपको एक आंसर पुट करना, सी ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं, सी पुट कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने ए भी लिखा है। ओके फाइन, या बिल्कुल सी जिन्होंने लिखा है, आप आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, स्टेटिफाइड। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, हम जब एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू की जब बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू भी फर्दर दो में डिवाइड होता है। एक हम पढ़ते हैं बच्चों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक हम पढ़ते हैं स्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इन दोनों में फर्क क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर का बना होता है और स्टेटिफाइड जो है वो मल्टीपल बोल सकते हैं या मोर देन वन लेयर का बना होता है, मल्टीपल लेयर का या मोर देन वन लेयर का। तो एक बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा अपने दिमाग में माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एपिथेलियल टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, वन इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, वन इज द स्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना, बहुत सारी बातें यहां पर क्लियर करने वाला हूं। यदि हम फर्दर बात करें, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज मैंने दो टाइप्स आपको बताया, पहला टाइप बताया था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपको बताया स्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना, सिंपल का मैंने कहा था बच्चों सिंगल लेयर,
सिंगल लेयर से बनता है और स्ट्रेटिफाइड को बोलते हैं मोर देन वन, और वी कैन से मल्टीपल लेयर बोल सकते हैं, मल्टीपल लेयर का बना होता है। बट सिंगल एपिथेलियल टिश्यू फर्दर किसमें होता है, स्क्वायमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये फर्दर डिवीजन है। वही हम बात करें स्टेटिफाइड, तो ये दो तरीके का होता है, ट्रांजिशनल और स्क्वायमस, ट्रांजिशनल और स्क्वायमस। ओके फाइन, तो बिल्कुल सही आंसर मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया बच्चों, दैट वी कैन से स्टेटिफाइड। एग्जैक्टली हम बात करें, टिश्यूज डज हैव फोर टाइप्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, चार टाइप्स का टिश्यू होते हैं, मैंने मेंशन किया बच्चों। सबसे पहला लिखा है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा दैट वी कैन से कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। कनेक्टिव टिश्यू पे क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है, अबंडेंट का मतलब सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होता है। तो बच्चों आपको आंसर क्या लिखना है, कनेक्टिव टिश्यू। याद है संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, मांसपेशीय उत्तक, चार टाइप्स का हम पढ़ते हैं। तो यहां पर क्लियरली पुट किया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का मोस्ट अबंडेंट, ये अबंडेंट वर्ड जब भी आता है तो अबंडेंट का मतलब होता है सबसे अधिक पाया जाने वाला, तो दैट वी कैन से कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होता है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आंसर क्या देना है, कनेक्टिव टिश्यू। आई यू अंडरस्टैंड एवरीबडी, ओके फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने पुट किया बच्चों मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, मतलब टिश्यू मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं बच्चों, और जिसमें सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, कनेक्टिव। सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है बच्चों, कनेक्टिव। ओके फाइन, अब मैं इन पे बनने वाले एमसीक्यू को कैरी ऑन करता हूं, क्वेश्चन क्या लिखा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा माय लविंग फाइटर्स, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन बॉडी, मतलब सीधा इन्होंने कनेक्टिव को छोड़ दिया, इन्होंने ये पूछा है कि आपकी बॉडी में मोस्ट कॉमन एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है, मोस्ट कॉमन एपिथेलियल टिश्यू कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा है। बच्चों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, लगभग 1100 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, आई वॉन्ट लाइक फ्रॉम एवरीवन, लाइक इट राइट नाउ, शाबाश। सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, जिन्होंने रिसेंट ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए देखा होगा, और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप बेल आइकॉन को दबाओगे, रेड बटन पे क्लिक करोगे, जिससे चैनल सब्सक्राइब होगा और आपको लगातार हर अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि JNCE नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे डेली बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। सुबह जब आप मॉर्निंग में वेकअप करते हो तो लर्न एंड फंड के साथ आपको 5 से 7 MCQ मिलते हैं डेली। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो 10 से 10:30 से 11:30 आपको एक क्लास मिलती है जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एमसीक्यू मिलते हैं। उसके बाद जब आप लंच करने के बाद दोपहर को उठते हो तो 3 से 5 एक नॉर्सेट 2021 की स्पेशल क्लास मिलती है, जहां पर एनक्लेक्स साउंडर्स के एमसीक्यू सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद शाम को 8:30 बजे JNCE के दूसरे चैनल पे आपको क्लास मिलती है, जहां पर आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है, जहां पर आपको GK पढ़ाया जाता है, मतलब पूरा शेड्यूल आपका पैक रहता है, आपको कंप्लीट डेवलप करने के लिए लगातार एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आपका हक बनता है क्लास में एंटर होते ही लाइक और तुरंत शेयर कर दें, ताकि ज्यादा लोगों तक इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंच सके। ओके फाइन, क्लास को कैरी ऑन करें। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल लिखा हुआ है, उसके साथ बच्चों मैंने सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल लिखा है, कॉलुमनर एपिथेलियल लिखा है और सीलिएटेड। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, स्ट्रेटिफाइड जो है ये सेकेंड टाइप्स मैंने बताया था, और ये सिंपल के दो फर्दर टाइप्स है। सिंपल जो है ये फर्स्ट टाइप है, इसके दो फर्दर टाइप्स है, कॉलुमनर और सीलिएटेड। सोच के आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, चार ऑप्शन में से कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर मोस्ट कॉमन है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, कौन सा मोस्ट कॉमन है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है बच्चों, क्विक आंसर लिखिएगा।
एक आंसर लिखिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको एक आंसर पुट करना बच्चों, आपको एक आंसर पुट करना है। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए लिखा है, थैंक यू अनुष्का गुप्ता, शुक्रिया बच्चा। ज्यादातर बच्चों ने ए लिखा है, कुछ ने बी लिखा है, कुछ ने डी लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लर्न करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने ए लिखा है, और हमेशा जब भी ज्यादा मत होते वो राइट होता है। स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, मैं बताना चाहता हूं बच्चों, स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि एपिथेलियल जो टिश्यू है उसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, उसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है। तो स्टेटिफाइड स्क्वैमस जो है, इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेशन, वाटर लॉस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड फॉरेन इन्वेजन। मतलब आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन इन्वेजन एंटर होना, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है। अल्ट्रावायलेट रे, देखिए यूवी रे जो होता है ये विटामिन डी का सोर्स होता है, विटामिन डी का सोर्स होता है, यूवी रे से प्रिवेंट करने के लिए, अब्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करता है। एक बात मैं क्लियर कह देता हूं आपको बच्चों, जो एपिथेलियल टिश्यू है, मैं एक बात क्लियर कर देता बच्चों, जहां हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करेंगे, जहां हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करेंगे, तो समझ जाना ये टिश्यू आपके बॉडी के कैविटीज में, ये टिश्यू आपके बॉडी के सरफेस में, ये टिश्यू आपके बॉडी के ट्यूब्स में, स्पेशली जैसे ईसोफेगस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ट्यूब्स के अंदर कॉमनली पाया जाता है, कॉमनली पाया जाता है। ये एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहा हूं, एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्लियर मेंशन किया कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपको अब्रेशन, वाटर लॉस, अल्ट्रावायलेट रेज और फॉरेन इन्वेजन से प्रिवेंट करता है। और ये सबसे अधिक एपिथेलियल टिश्यू के फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता बच्चों, आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि विच टिश्यू इज अ फॉर्म वॉल ऑफ कैपिलरी लाइनिंग ऑफ ब्लड और लिम्फ वेसल्स। मतलब सीधा है कि आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स, आपकी बॉडी में लिम्फ वेसल्स, सीधी सी बात है, ब्लड को कैरी कौन करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फ को कैरी कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड को इधर से इधर ले जाएगा, और वही लिम्फेटिक सिस्टम जो है लिम्फ को कैरी करेगा। तो यहां पर इनके ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के लेयर्स के अंदर कॉमनली कौन सा टाइप्स ऑफ टिश्यू, कौन सा टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ बच्चों। मैं आपके सामने ऑप्शन पुट कर रहा हूं, ऑप्शन मैंने आपको क्लियरली लिखा है कि स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, उसके साथ कॉलुमनर सिंपल एपिथेलियल और सीलिएटेड, सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो क्विक आंसर पुट करिएगा, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज की बात की बच्चों, क्विक आंसर माय लविंग फाइटर्स, विच इज द राइट आंसर। चार ऑप्शन है, मैंने पूछा कौन सा टिश्यू है जो वॉल ऑफ कैपिलरीज, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। देखिए हम ब्लड वेसल्स की बात करें बदमाश बच्चों, तो मैंने यहां लिखा है ब्लड वेसल्स जो है उसमें तीन लेयर होती है, तीन लेयर होती है, अंदर वाली को हम ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं बच्चों, ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, मिडिल वाले को बच्चों हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और आउटर वाली को ट्यूनिका एडवेंटेशिया, ट्यूनिका एडवेंटेशिया बोलते हैं, और बीच वाले खाली स्पेस को ल्यूमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो ये आपके ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। मैंने पूछा कि ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कौन सा टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऑप्शन लिखिएगा, बिल्कुल सिंपल एपिथेलियल या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। याद है ना बच्चों, सिंपल सिंगल लेयर का बना होता है बच्चों, सिंगल लेयर का बना होता है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि सिंगल लेयर का सिंपल होता है, और एक से ज्यादा लेयर का जो है वो स्टेटिफाइड होता है, कौन सा होता है, स्टेटिफाइड होता है। डेफिनेटली बहुत सही लिखा बच्चों आपने। अब मैं यहां पर कुछ और एमसीक्यू जो बताना चाहता हूं इस टिश्यू से रिगार्डिंग, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हियर यू कैन सी, जो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज है बच्चों, एक तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है मैंने कहा था, दूसरा ये लिम्फेटिक सिस्टम, दोनों में रहेगा, और दोनों में प्रेजेंट कहां रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तो रहेगा बच्चों ब्लड वेसल्स में, लिम्फेटिक सिस्टम रहेगा लिम्फ वेसल्स में, क्यों, दोनों का काम अलग है,
ब्लड वेसल्स जो आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी लिम्फ, और दोनों किसके एग्जाम्पल है, ब्लड और लिम्फ, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज के, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज के। तो याद रखना बच्चों, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है, एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अलावा सैक ऑफ लंग्स, लंग्स के सैक्स में, देन वी कैन से ग्लैमेरुलर जिसको हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, दिस इज द बॉमन कैप्सूल, और इसी बॉमन कैप्सूल के अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज होती है जिसको हम ग्लैमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैमेरुलस बोलते हैं बच्चों, ग्लैमेरुलस। याद रखिएगा, यहां पर भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, इनर सरफेस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, ये आपका ईयर है, ये ऑडिटरी कैनाल है, और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो इनर सरफेस है जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, यहां पर भी कौन सा टिश्यू होगा बच्चों, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल। दैट्स गेटिंग एवरीवन? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछेंगे टिश्यूज का नाम और प्लेस पूछते हैं, या फिर प्लेस दिया होगा टिश्यूज का नाम पूछेंगे कि ये कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है, कौन सा ऑर्गन कौन से टिश्यूज का बना होता है, इस तरीके के वन और टू लाइनर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, यूपी पीएससी पर्टिकुलर, यूपी पीएससी के लिए, बट यहाँ पर नॉर्सेट वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बिहार सीएचओ वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने के बच्चे, इवन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन की साबित होंगे बच्चों, वो भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए जहां इफेक्टिव कंटेंट आपको मिले, पीछे नहीं हटना बच्चों, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लर्न करना है। जरूरी नहीं आप आज नॉर्सेट फाइट कर रहे हो, बट आप नॉलेजेबल तो बन सकते हो, आपके पास क्वालिटी कंटेंट तो आ सकता है, तो यू शुड ट्राई इट एवरीवेयर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों की एग्जैक्टली स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू काम क्या करेगा। मैंने ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट बता दिया, लिम्फेटिक वेसल्स बता दिया, लंग्स के सेल में, सैक में बता दिया, ईयर ड्रम में बता दिया, बॉमन कैप्सूल में बता दिया। तो इसका काम क्या है, एक तो फिल्टर करता है किडनी में, जहां पर मैंने कहा था कि ये बॉमन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। आपकी जो किडनी होती है, सपोज मैं फिर से बता रहा बच्चों, ये बॉमन कैप्सूल है, ये बॉमन कैप्सूल हो गया, यहां से ब्लड किडनी में आता है, ब्लड किसके द्वारा आता है, अफरेंट के द्वारा ब्लड आता है, फिर यह ब्लड वापस आपके बॉडी में चला जाता है, ये अफरेंट के द्वारा जाता है, और यहां पर जो बंच ऑफ कैपिलरीज होती है जिसको हम ग्लैमेरुलस बोलते हैं, वो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और वेस्ट ग्लैमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स में आ जाता है। और एक तो ये तरीका, थैंक यू अजू राधे डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू सो मच माई लविंग फाइटर टू डोनेट 40 रुपीज टूवर्ड्स JINC पुअर स्टूडेंट फंड, जहाँ पर JINC पुअर बच्चों की हेल्प के लिए फंड बना रखा, जहाँ पर मदद करते हैं, उसमें डोनेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा फंक्शन बच्चों मैंने लिखा कि ये डिफ्यूजन करता है ऑक्सीजन इन टू द ब्लड वेसल्स ऑफ लंग्स। देखिएगा, डिफ्यूजन होता क्या है, आपने पढ़ा हो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, एक होता डिफ्यूजन, एक होता ऑस्मोसिस। हमेशा हम जब डिफ्यूजन की बात करें, ऑस्मोसिस की बात करें, दैट एवरीबडी नो वेरी वेल, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हम क्लियरली पढ़ते हैं। तो ये जब O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, उस समय भी डिफ्यूजन करने में रोल प्ले करता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं। सपोज ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सपोज ये चार चैम्बर है, ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये आपका लंग्स हो गया, ये आपका लंग्स हो गया, देन वापस ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड किस में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम। लंग से ऑक्सीजन किस में जाता है, ब्लड में। लंग से ऑक्सीजन किस में जाता है, ब्लड में। और ब्लड से CO2 कहाँ जाता है, लंग्स में। अब अभी मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वर्ड बताया, इसलिए मैं बताना, जो रजनी टैंक डोनेटिंग 20 रुपीज, शुक्रिया बच्चा, शुक्रिया। हियर यू कैन सी
अब मैंने यहाँ लिखा ब्लड जो लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो कहाँ जाएगी, ब्लड में, ब्लड में CO2 ज्यादा होगी तो कहाँ आएगी, लंग्स में। मतलब सीधा जब हम सांस को अंदर लेते हैं व्हेन वी आर डूइंग इंस्पायरेशन तो ऑक्सीजन जाएगा, तो लंग्स में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा, और जो ब्लड लंग्स में आ रहा है प्यूरिफाइड होने के लिए उसमें कौन ज्यादा, CO2। तो याद रखना यहाँ पर जो ऑक्सीजन कहाँ गई ब्लड में, तो ये हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव किया, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव किया, लो कंसंट्रेशन। ब्लड में CO2 ज्यादा था और लंग्स में CO2 कम था, तो ये भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के मूवमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो याद रखना व्हेन द O2 और CO2 एक्सचेंज इन टू द O2 एंड CO2 एक्सचेंज इन टू द लंग्स एल्यूलाई, तो कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, तो आपको आंसर क्या लिखना, डिफ्यूजन। कौन सा टिश्यू काम करता है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया हुआ है, डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यू विल बी पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, ओके फाइन। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज, देखिए हमें, मैंने बात की बच्चों यहाँ पर, पहले मैंने आपको पूछा था एपिथेलियल टिश्यू, उससे पहले कनेक्टिव टिश्यू, अब मैंने पुट किया बच्चों कार्टिलेज, कि आपकी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कौन सा है, सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्टिलेज कौन है आपकी बॉडी में। दैट्स गेटिंग एवरीबडी हियर, यू कैन सी पुट द राइट आंसर। ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों हायलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, डेंस कार्टिलेज, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है बच्चों। क्विक आंसर पुट करिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर मेंशन कर रहा हूं, फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों। दिस इज द ईयर लॉब, दिस इज द टिप ऑफ द, टिप ऑफ द नोज, दिस इज द ईयर लॉब, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। विच इज द राइट आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा है, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी, आपके बॉडी में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्टिलेज कौन सा बच्चों, क्विक आंसर पुट करिएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ज्यादातर बच्चों ने हायलिन लिखा है, हायलिन लिखा बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने हायलिन लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत ही यूज टू है, और मैं आंसर में भी हायलिन लिखा बच्चों, आंसर में भी हायलिन लिखा है। एक बात आप क्लियर कर लेना, दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ईयर लॉब जो है, ईयर लॉब जो है याद रखना ये ईयर का सेंसरी पार्ट है बच्चों, सेंसरी पार्ट है, मतलब ईयर लॉब जो है वो सेंसेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ईयर लॉब किसकी बनी होती, हायलिन कार्टिलेज, किसकी बनी होती है, हायलिन कार्टिलेज। दूसरा नोज का जो टिप है, नोज का जो टिप है बच्चों, टिप ऑफ द नोज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हायलिन कार्टिलेज, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। टिप ऑफ द नोज ऑल्सो वी कैन से कंसिस्ट ऑफ हायलिन कार्टिलेज, ईयर लॉब वी कैन से कंसिस्ट ऑफ हायलिन कार्टिलेज, और आपकी बॉडी में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्टिलेज भी कौन है, हायलिन। मैं चारों कार्टिलेज को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बट हमेशा याद रखना हमें उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देना है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन एक लाइन का भी क्यों ना हो, क्वेश्चन एक लाइन का भी क्यों ना हो, हमें हर MCQ को प्रायोरिटी देना। जैसे मैं कहता हूं ना, अमीर, जैसे अपन मास्लो हिरार्की पढ़ते हैं, एक पुअर होता है, एक मिडिल क्लास पर्सन होता है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मास्लो हिरार्की के अकॉर्डिंग। सपोज कोई बहुत ही गरीब है, मिडिल क्लास का है, थोड़ा अपर क्लास का है, बहुत ही रिच है, बट हर पर्सन की वैल्यू आपकी नज़रों में एक ही होना चाहिए, आपकी नज़रों में एक ही होना चाहिए। ये बहुत सटीक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंसान को देख करके उसकी वैल्यू करते हैं, ज्यादातर लोग इंसान के स्टेटस को देख करके उसको रेस्पेक्ट करते हैं, ज्यादातर लोग इंसान की पोस्ट को देख करके उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपको, आप हर इंसान की उतनी ही इज्जत करो जितना रिच पीपल की, एजुकेटेड पीपल की करते हो। हर इंसान की इज्जत आपकी नजरों में उतनी होना चाहिए जितना एक रिच सक्सेस पर्सनालिटी की होती। एक सिंपल तरीका है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, और जब तक आप दूसरों की इज्जत नहीं करोगे तो आप अपनी इज्जत करने की उम्मीद मत रखिएगा। और आजकल सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंसान के स्टैंडर्ड देख करके उसकी इज्जत करने लगे। आई डोंट लाइक, आई रियली डोंट लाइक,
आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन दोज हु आर लाइव इन सोसाइटी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, किसी भी स्टेटस से बिलोंग करे, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करे। आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन जो इस दुनिया में है, और आपको भी यही करना, आपको भी ये करना है। ये बहुत सारी चीजें मैं आपको साथ में इसलिए सिखाता हूं मेरे बच्चों, क्योंकि आप कल एक सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर्स तो बन जाएंगे, आपके पास में 80-90,000 पर मंथ एक बड़ा अमाउंट तो आने लगेगा, बट आप जिंदगी को कैसे जियोगे ये आपके जेएनसी परिवार आपको सिखाने की कोशिश करता है। तभी तो मैं कहता हूं कि यहां पर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बच्चे का, पढ़ाई के साथ साथ मैनरिज्म, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, वे ऑफ टॉकिंग, रेस्पेक्ट, ये सब जेएनसी परिवार करता है, जेएनसी परिवार सिखाता है। तो मैं आपसे भी यही कहता हूं, जिंदगी में हमेशा हर पर्सन की वैल्यू आपकी नजरों में एक जैसी हो। यू शुड रेस्पेक्ट टू पीपल, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, आपकी नजरों में हर पर्सन की उतनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी स्वीपर की हैव कैपेबिलिटी। बस उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। यू विल शो योर पोटेंशियल, डू हार्ड वर्क, इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। इसको डाइजेस्ट करना बड़ी टास्क होती है, सुना ना बच्चों। आप सफल तो हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आपको कैसे खर्च कर पाते हो ये एक बड़ी टास्क होगी आपके साथ। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीखना होगा मेरे बच्चों को। तब एक टेंशन के हायलिन कार्टिलेज, मैं शॉर्टली आपको चारों कार्टिलेज के बारे में बता देता हूं बच्चों, जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां मैंने लिखा बच्चों हायलिन कार्टिलेज, जैसे मैंने लिखा बच्चों नोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि नोज किसका बना होता है, तो आप लिख सकते हो हायलिन कार्टिलेज का बच्चों। दूसरा नोज के साथ साथ मैंने ट्रकिया लिखा है, नोज के साथ साथ ट्रकिया लिखा है, ये भी किसका बना होता है, हायलिन कार्टिलेज। यदि ट्रकिया की बात करें, तो ये 16-20 सी शेप रिंग का बना होता है, सी शेप रिंग। और ट्रकिया का दूसरा नाम है बच्चों विंड पाइप, ट्रकिया का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ट्रकिया इज ऑल्सो नाउन एज विंड पाइप। उसके अलावा मैंने ईयर लिखा है, लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉइस बॉक्स, याद रखिएगा। और एक टर्म्स आया हुआ है एनकोड्रोमा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ओमा वर्ड कहीं भी आता तो आपको समझना है कि कुछ न कुछ नया ग्रोथ हो रहा है, दैट वर्ड इंडिकेट ओमा, वर्ड इंडिकेट समथिंग विल बी ग्रो न्यू। तो एनकोड्रोमा का मतलब ट्यूमर ऑफ द हायलिन कार्टिलेज। टर्म्स एग्जाम में पूछते हैं, कि एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ एनकोड्रोमा क्या होता है, तो आपको लिखना है एक ट्यूमर फॉर्मेशन कहाँ पर, हायलिन कार्टिलेज। और हम यहाँ किसका जिक्र कर रहे हैं बच्चों, हायलिन कार्टिलेज का जिक्र करें। लेट्स गेटिंग एवरीबडी, ओके फाइन। अब नेक्स्ट फर्दर कार्टिलेज के बारे में हम जानना चाहें तो मैंने यहाँ पर पुट किया है कि फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है। देखिए फाइब्रो कार्टिलेज नॉर्मली इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। आपको याद है बच्चों एक हम जॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है स्लाइटली जॉइंट, एक फाइब्रस और फिक्स होता है, एक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, और एक जो है फ्रीली मूवेबल होता है, तो यहाँ पर मैंने क्लियरली पुट किया है प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है जहाँ पर बिटवीन प्यूबिक बोन प्यूबिक बोन के बीच का जो जॉइंट है उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रा, ये आपके बॉडी में दो ऐसे जॉइंट है जो स्लाइटली मूव करते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर याद रखना, स्लाइटली मूव कैसे करते हैं, जैसे आप अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते हो, तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट यहां पर मूव करते हैं। दूसरा जब आप ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस आप देखते हो सिम्फाइसिस प्यूबिस स्ट्रेच आउट होता है, तो इन दोनों जगह यदि हम देखते हैं तो फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, फाइब्रो कार्टिलेज। और ईयर जो है ईयर लॉब के अलावा, देखिए ईयर में भी ईयर लॉब के अलावा इलास्टिक कार्टिलेज होता है। मैंने यहां दोनों जगह लिखा, आपको समझना होगा, ये पूरा जो ईयर होता है, ये वाला लॉब वाला जो है ये हायलिन का बना होता है, और ये जो पोर्शन है ये किसका बना होता है बच्चों, इलास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। या कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों, मैंने क्लियरली मेंशन किया है ईयर में ईयर लॉब हायलिन कार्टिलेज को, ईयर का बाकी जो पोर्शन है, दैट वी कैन से इलास्टिक कार्टिलेज। किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है बच्चों, ओके फाइन। इसके अलावा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की मैं बात करूं, जहां पर मैंने डेंस कनेक्टिव टिश्यू मेनली टू टाइप्स का होता है।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर टू टाइप्स का होता है, ये भी आपको जानना जरूरी होता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो कौन कौन से टाइप्स होते हैं बच्चों। एक मैंने मेंशन किया है रेगुलर इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो एग्जाम्पल मैंने कॉलेजन फाइबर लिखा है, और कॉलेजन फाइबर का काम है प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टिश्यू। कॉलेजन फाइबर क्या करेगा, ये एक टिश्यू है, ये दो टिश्यू है, इन दोनों टिश्यू का जोड़ने का काम कौन करेगा, कॉलेजन फाइबर। वैसे कनेक्टिव टिश्यू से पता चलता है विल बी कनेक्ट ईच अदर, एक से दूसरे टिश्यूज को जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, दूसरे टिश्यू को तीसरे टिश्यू से जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। बट ये कनेक्शन करता कौन है, वो कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, इसका नाम है रेगुलर इलास्टिक टिश्यू, उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है कॉलेजन फाइबर। वही डेंस का दूसरा एग्जाम्पल है इररेगुलर, और इररेगुलर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा वो स्किन एलिमेंट्री केनाल, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको आप जीआई ट्रैक्ट बोलते हो, और हिंदी में उसको आहार नाल बोलते हो, हिंदी में उसको आहार नाल बोलते हैं बच्चों। तो हियर यू कैन सी ये डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज मैंने पुट किया, हायालिन क्या होता है, फाइब्रो क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, डेंस क्या होता है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो यू शुड ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरी थिंग विल आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले आप लोगों की उस रिक्वेस्ट को आपके अपने जेएनसी परिवार ने एक्सेप्ट की, जो कल आपने लाइव क्लास में भी की थी, उसके बाद कॉल और मैसेज पे भी आपने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज एक बार जो ऑफर है यूपीपीएससी का उसको एज यूजुअल रखा जाए, और जिन बच्चों के पास फीस की व्यवस्था नहीं थी या किसी फ्रेंड से पैसे नहीं ले पाए उन बच्चों को फिर से एक बार बच्चों मौका दिया है। मैं हमेशा कहता हूं जितना मेरे से होगा मैं आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। जब जब आप किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करोगे जितना मैं कैपेबल होगा मैं जरूर करूंगा, और हमेशा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चों की कोई भी डिमांड खाली ना जाए। इसीलिए बच्चों यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो कंप्लीट कोर्स है जिसका ऑफर 27 से लेके 30 जुलाई तक फिर से रिलीज किया बच्चों, 27 से 30 जुलाई तक फिर से रिलीज किया है, उसका प्राइस वापिस 2949 कर दिया है, 2949 कर दिया। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने क्लियरली लिखा है कि 27 से 30 जुलाई तक आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए ऑफर फिर से आपको जनरेट किया है, जहां पर कंप्लीट नर्सिंग होगा प्लस बच्चों सोशियोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी के साथ साइकोलॉजी होगा, हिंदी होगा, कंप्यूटर होगा, जीके होगा, वो कंप्लीट सिलेबस जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आपसे पूछेगी, जेआईएनसी टीम जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर करके इस ऑफर के साथ आपको डिलीवर किया जा रहा है बच्चों। और सबसे खास बात सुनिएगा, इस कोर्स में थ्योरी आपको मिलेगी, एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा हर सब्जेक्ट के, हर यूनिट के, हर टॉपिक के, ये मेरी जवाबदारी है बच्चों। और मैं हमेशा कहता हूं ताली दो हाथ से बजेगी, एक हाथ आप आगे बढ़ाओगे, एक हाथ आपका जेएनसी परिवार आगे बढ़ाएगा, तब जाके माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ताली बजेगी। और आपको थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा, जब हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो यूपीपीएससी में आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात का ध्यान रखना, भरोसा करना होगा, टिक करके पढ़ना होगा, इधर उधर के विजिट को बंद करना होगा, इधर उधर की विजिट से सिर्फ आप अपने आप को खुश कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको एक जगह टिक के पढ़ने की आदत डालनी होगी, तभी आप कॉन्सेप्ट बनेंगे, तभी आप सिस्टमेटिक पढ़ पाएंगे, तभी आप क्रैक कर पाएंगे उस एग्जाम को जिसके लिए आपने सपना देखा है। मैं हमेशा आपको डांटता हूं, ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपको गाइड करेंगे तभी आप सही ट्रैक पे चलेंगे, और मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अपना काम करूंगा, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो ये कंप्लीट कोर्स को फिर से मैंने पुट किया बच्चों, जहां पर यहां पर 2949 में कोर्स होगा, एडिशनल सब्जेक्ट को लगातार रिकॉर्ड करके पुट किया जा रहा है, हिंदी की क्लासेस पुट कर दी गई है, कंप्यूटर की क्लासेस पुट करना स्टार्ट हो गई है, तो लगातार जो क्लासेस रिकॉर्ड होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी, आप पढ़ाई स्टार्ट करें। और मैंने हर टॉपिक को 24 आवर्स पहले आपको बताता हूं कल कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पर जाओ, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करो, मेल आईडी से लॉग इन करो, और आपको बच्चों BUY कोर्स पे जाकर के इस कोर्स को सर्च करना है, इस कोर्स पे क्लिक करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हो बच्चों।
ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच टिश्यू बाइंड बॉडी टिश्यू टुगेदर सपोर्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि कौन सा टिश्यू है जो एक से दूसरे टिश्यू को जोड़ने का काम करता है, कौन सा टिश्यू है जो एक से दूसरे टिश्यू को आपस में जोड़ने का काम करता है। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू कसक। ऑप्शन में बच्चों एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। फटाफट आंसर पुट करिएगा, इजी एमसीक्यू है, इजी एमसीक्यू है। क्वेश्चन को क्विक क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों। कंप्लीट कोर्स बच्चों रिकॉर्डेड है, जब टाइम है, जितना टाइम है, जितने टाइम आप पढ़ सकते हो आप उसको पढ़ सकते हो। आप एक टॉपिक को 50 बार पढ़ सकते हो, आप दिन में 15 घंटे पढ़ सकते हो, वो रिकॉर्डेड क्लास होगी बच्चों। और लगभग मैं बता दूं उस कोर्स में 600 प्लस वीडियोस पुट कर दिए गए, 600 प्लस वीडियोस पुट कर दिए गए हैं। तो फटाफट आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन करिएगा, क्विक आंसर पुट करना बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर कनेक्टिव टिश्यू लिखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर कनेक्टिव टिश्यू लिखा है, या एब्सोल्युटली करेक्ट, absolutely correct my loving future nursing officer, because connective tissue are responsible to bind one each and every। देखिए epithelial मैंने कहा था, epithelial में दो बताया था, simple था, stratified था। connective tissue जो है जिसमें बहुत सारे types होते हैं, मैंने कहा supportive connective tissue, fluid connective tissue, है ना, बहुत सारे types होते हैं। then उसके अलावा muscular tissue आगे पढ़ेंगे बच्चों, दो types होगा, involuntary और voluntary। और नर्वस टिश्यू में कंडक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। तो हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया कि वो कौन सा टिश्यू है जो एक से दूसरे टिश्यूज को बाइंड करने का काम करता है, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, कनेक्टिव। मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, कनेक्टिव। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों में लिखा एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम, और यहाँ लिख लीजिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज, कि एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो नाउन इज, एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो नाउन इज, क्या नाम एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम, फटाफट आंसर पुट करेगा। ऑप्शन आपके सामने, बोन सेल लिखा है, सीलिएटेड टिश्यू लिखा हुआ है, फैट सेल लिखा है, नर्व सेल लिखा है। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, मैंने चार ऑप्शन है, बोन सेल, सीलिएटेड टिश्यू, फैट सेल और वी कैन से नर्व सेल। सिंपल पूछा एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम, एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम बच्चों, क्या बात है। देखिए ये आंसर मुझे चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, मैं बहुत आसान एमसीक्यू है, क्योंकि इनिशियल पोर्शन एनाटॉमी में यही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट दिया है तो यूपीपीएससी पूछेगा भी, और हमें आता है तो रिवीजन करो, नहीं आता तो सीखो। यहां पर ज्यादातर बच्चों ने जो है फैट सेल आंसर लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बोन टिश्यूज आगे पढ़ेंगे, सीलिएटेड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंपल एपिथेलियल एग्जांपल था, नर्वस टिश्यू हम नर्व में पढ़ेंगे, और यहां पर मैंने फैट सेल सही आंसर पुट किया है। देखिएगा बच्चों, फैट सेल जो आपके आईलिड में प्रेजेंट होता है, आईलिड, देखिए आईलिड जो है, आईलिड जो बच्चों थिनेस्ट स्किन होती है ह्यूमन बॉडी की, स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी की सबसे जो पतली स्किन होती है आईलिड होती है। दूसरा बच्चों मैंने स्क्रोटम लिखा है, लाबिया माइनोरा, स्क्रोटम जो है ये मेल में हम पढ़ते हैं बच्चों, लाबिया माइनोरा हम फीमेल के विजाइना की लेयर पढ़ते हैं बच्चों, विजाइना की लेयर होती है, और ब्रेन कैविटी, मतलब आपके बॉडी में ये वो जगह जहां पर फैट टिश्यूज पाया जाता है, जहां पर एडिपोज टिश्यूज पाया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फैट टिश्यू है, कौन सा एडिपोज टिश्यू है, तो याद रखना इट विल बी प्रेजेंट आईलिड, जिस मैंने कहा था थिनेस्ट स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसके साथ बच्चों मैंने लिखा स्क्रोटम, टेस्टिस जो है बच्चों, टेस्टिस लोकेटेड कहां होता है, लोकेटेड कहां होता है, इन टू द स्क्रोटम, किस में लोकेटेड होता है, स्क्रोटम है। लाबिया माइनोरा और लाबिया मेजोरा ये दो लेयर विजाइनम हम पढ़ते हैं, और ब्रेन कैविटी, यहां पर कॉमनली आपका एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन कई बार आया कि एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम फैट सेल, याद रखिएगा बच्चों फैट सेल। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी, मतलब वो कौन सा टिश्यू आपकी बॉडी में जो कंडक्टिविटी, इरिटेबिलिटी ट्रांसफर करने में रोल प्ले करता है, रोल प्ले करता है बच्चों। आपके सामने ऑप्शन है एपिथीलियल टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब आंसर पुट करेगा, अब आंसर पुट करेगा बदमाश बच्चों की विच इज द राइट आंसर। मैंने सीधा पूछ लिया कि विच इज द टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, चारों में से कौन सा टिश्यू इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आपको ये बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं, आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि मेरा सेल खत्म हो गया, टिश्यू खत्म हो रहा है। एक एक टॉपिक जैसे जैसे फिनिश होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा बच्चों। इसलिए नर्वस टिश्यू आपका सही आंसर है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, नर्वस टिश्यू एक तो कंडक्ट ऑफ इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपल्स, इनमें तीनों में मेन रोल प्ले करता है। तो ये नर्व का काम होता है, आपको याद होगा ना, नर्व सेल जो है इसको लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। मैंने कल ही की क्लास में आपको पढ़ाया था, नर्व सेल को लॉन्गेस्ट सेल के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ये इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, ये इंपल्स को ट्रांसफर करता है, ये इंपल्स को कंडक्ट और ट्रांसफर दोनों में पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखना, कंडक्ट, ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट इंपल्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, एक इमेज पुट किया, यहां लिखा म्यूकोइड टिश्यू इज प्रेजेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स और नॉर्सेट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछा म्यूकोइड टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, आई आस्क म्यूकोइड टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में लिखा लाबिया मेजोरा, विजाइना क्लियर है, स्किन, देन ट्रेकिया, देन वाटन्स जेली। चार ऑप्शन आपके सामने दिए बच्चों, चार ऑप्शन है। क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा, और मैंने एक इमेज भी पुट किया उसको यदि आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये वाटन्स जेली है बच्चों। क्विक आंसर लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यूकोइड टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है। चार ऑप्शन में से एक को राइट करिएगा। वाओ फंटास्टिक, लगभग 80-90% स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर इसमें डी राइट आंसर होना चाहिए, और आपका आंसर यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। दैट वी कैन से वाटन्स जेली, बताना चाहता हूं ये अम्लाइकल कोड में प्रेजेंट होती, पहली बात मैं इसका फंक्शन भी बताने वाला हूं। ये अम्लाइकल कोड में प्रेजेंट होती है, आपका सुना है फ्यूनिस, आपने फ्यूनिस सुना होगा, फ्यूनिस जिसको हम अम्लाइकल कोड का या अम्लाइकल कोड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, कभी कभी फ्यूनिस कहते हैं। तो प्रेजेंट इन अम्लाइकल कोड, और बनी किसकी होती है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है। वाटन जेली म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है, अम्लाइकल कोड में प्रेजेंट होती है, और इसका काम है प्रोवाइड इंसुलेशन प्रोटेक्शन विद इन द अम्लाइकल कोड, मतलब आपके अम्लाइकल कोड के अंदर इनसाइड में प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है। ये बनी होती है म्यूकोइड टिश्यूज की, और रोल प्ले ये कंपोजिशन होता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, और इसका काम है टू प्रोटेक्ट अम्लाइकल कोड। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां मैंने मेंशन किया है कि वाटन्स जेली क्या, वाटन्स जेली इट विल प्रेजेंट इनटू द अम्लाइकल कोड दैट कंसिस्ट ऑफ द म्यूकोपॉलीसेक्राइड, द फंक्शन टू प्रोटेक्शन विद इन द अम्लाइकल कोड, विद इन द अम्लाइकल कोड। और मैंने मेंशन किया बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों, और आई होप इट मे बी आस्किंग अगेन, इट मे बी आस्किंग अगेन। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा कि विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन लीवर, कितना आसान एमसीक्यू, आपके लीवर में कौन सा टिश्यू होता है, कितना सिंपल लगता ना, आंसर भी आपको बताना है, जितना सिंपल लगे उतना आंसर भी आपको बताना है। ऑप्शन लिख दिया आपके सामने, एरियोलर हो सकता है, एडिपोज हो सकता है, रेटिकुलर हो सकता है, बोन हो सकता है। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, विच टिश्यू इज प्रेजेंट एट लीवर, लीवर में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये आंसर आपको लिखना होगा बच्चों, ये आंसर आपको लिखना है, ए बी सी डी। मैंने लीवर का नाम लिखा, मैं हिंट देता हूं, लीवर के अलावा ये स्प्लीन में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, और हिंट देता हूं आपको, आरबीसी का ब्रेकडाउन लीवर के रेटिकुलर एंडोथेलियल सरफेस पे होता है, स्प्लीन के रेटिकुलर एंडोथेलियल सरफेस पे होता है,
मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन सा टिश्यू है जो लीवर में प्रेजेंट होता है। अब गलत होगा तो डंडे पड़ेंगे बदमाश बच्चों को, अब गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत नहीं होना, इससे ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर सकता बच्चों। बार बार हिंट दे रहा हूँ, आपकी जो रेड ब्लड सेल है ये अडल्ट में 120 डेज के बाद में ब्रस्ट हो जाता है, तो आपके जहाँ पर ये ट्रबल करती है, जो सरफेस है जहाँ पर फ्रिक्शन होता है, वो रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यूज का बना होता है। तो आपका आंसर भी बच्चों यहाँ पर रेटिकुलर ही होगा, क्योंकि ये स्प्लीन के अलावा बॉन मैरो में भी प्रेजेंट होता है। भूलना मत, आरबीसी का जहां ब्रेकडाउन होता है वहां सरफेस जो बना होता है वो रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यूज का बना होता है। और आपसे क्वेश्चन भी मैंने यही पूछा था कि कौन सा टिश्यू लीवर में प्रेजेंट होता है। देखिए क्वेश्चन कितना भी छोटा हो कभी कभी डरा देता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के नंबर इंपॉर्टेंट है, चाहे वन लाइनर हो चाहे टेन लाइनर हो, हमें तो सब पढ़ना है, बेसिक भी पढ़ना है, एनक्लिक्स पैटर्न भी बढ़ना है। ओके फाइन। इसके अलावा बच्चों मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ध्यान से देखना होगा, माय लवली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एडिपोज ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फैट सेल, दूसरा एरियोलर जो है स्किन में होता है, एडिपोज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्क्रोटम, आईलिड, लाबिया मेजोरा, एक यहाँ पर मैंने बच्चों ऐड किया बोन टिश्यू, ये जानना जरूरी है। बोन टिश्यू क्या है? बोन टिश्यू जानना जरूरी है। मैंने लिखा है बच्चों कॉम्पैक्ट बोन, एग्जांपल लॉन्ग बोन, दैट वी कैन से बोन टिश्यू। उसके साथ बच्चों मैंने लिखा है कैंसिलस बोन, स्पंजी बोन, ट्रेबिकुलर बोन, एंड ऑफ द बोन। समझ आइएगा, सपोज ये आपकी बोन है, ये आपकी बोन है, हियर यू कैन सी दिस इज योर बोन, दिस इज योर बोन। अब इस बोन की हम बात करें तो सबसे बाहर वाला जो है वो आउटर सरफेस होता है बोन का, जिसको पेरिओस्टियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। और पेरिओस्टियम के आप जैसे अंदर जाओगे लाइक दैट, ये जो है ये कॉम्पैक्ट बोन है, इसको हम कॉम्पैक्ट बोन बोल सकते हैं या इसको हेवर्सन सिस्टम बोल सकते हैं, हेवर्सन सिस्टम बोल सकते हैं बच्चों, हेवर्सन सिस्टम। और मैंने क्लियर मेंशन किया कि कॉम्पैक्ट बोन जो है वो बोन टिश्यूज की बनी होती है। उसके अलावा एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, ये जो पोर्शन है एंड ऑफ द लॉन्ग बोन जहां पर बोन का ग्रोथ होता है, जहां पर बोन का ग्रोथ होता है वो भी बोन टिश्यूज की बनी होती है, जिसको आर्टिकुलर सर्फेस आप बोल सकते हो, आर्टिकुलर सर्फेस आप बोल सकते हो। तो एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आंसर पुट कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट कंप्लीट कोर्स में भी डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, जो बच्चे कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो याद रखिएगा ऑफर अवेलेबल है बच्चों यहाँ पर, और ऑफर ये 26 से 28 जुलाई तक रहेगा। इस कोर्स की प्राइस 5999 है, और जिसमें 1200 प्लस वीडियोस रिकॉर्डेड है, 1200 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें नर्सिंग, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, जीके, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ अवेलेबल है, यूनिट वाइज टेस्ट भी है बच्चों, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर भी है। जो बच्चे फ्रेशर है, अभी पास आउट हुए हैं, जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चों, एक बार पूरा नर्सिंग का सिलेबस पढ़े और लगभग 5000 के आसपास MCQ सॉल्व करें और आप महसूस करें कि आप क्या पढ़े थे अभी तक। तो कंप्लीट कोर्स में भी डिस्काउंट अवेलेबल है 5999, और इस कोर्स को परचेज करने का अगेन सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका बच्चों, अगेन सिंपल तरीका क्या है कि आपको प्ले स्टोर में जाके JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना, मेल आईडी से लॉगिन करना और कोर्स को परचेज कर सकते हो। ये कंप्लीट कोर्स में फिर डिस्काउंट अवेलेबल बच्चों आपके लिए, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा बच्चों कार्टिलेज डज नॉट इंक्लूड, क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्टिलेज जो है वो इंक्लूड नहीं है, does not include into the end of the kidney tubes, end of the blood vessels, end of the bone, end of the esophagus. मतलब सीधा पूछा कि cartilage कहाँ include नहीं है, cartilage कहाँ include नहीं, my loving future nursing officer, ये question आपसे पूछा है, cartilage does not include where, end of the kidney tubes, दूसरा end of the blood vessels, तीसरा end of the bone, चौथा end of the esophagus. क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा, विच इज द राइट आंसर। या मिक्स आंसर मिल रहे ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी लिखा है, बट मैं बताना चाहता हूं दैट वी कैन से एंड ऑफ द बोन, बोन का जो एंड है दैट डज नॉट हैव द कार्टिलेज,
वो आर्टिकुलर सरफेस होता है, वहां पर कार्टिलेज नहीं पाया जाता है, वहां पर कार्टिलेज जो है वो नहीं पाया जाता बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज कनेक्टिव टिश्यू इज स्क्वायमस मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सिलिएटेड मैट्रिक्स और स्टेटिफाइड मैट्रिक्स। थोड़ा सोच के आंसर देना बच्चों। मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कनेक्टिव टिश्यू इज, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? स्क्वायमस मैट्रिक्स का बना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का बना होता है, या सिलिएटेड मैट्रिक्स का बना होता है, या फिर स्टेटिफाइड मैट्रिक्स का बना होता है। चारों में से एक ऑप्शन आपको पुट करना होगा। विच मैट्रिक्स आर रिस्पॉन्सिबल, विच मैट्रिक्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? आंसर पुट करें बदमाश बच्चों, सी लिख रहे हैं। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि जो सेल बन रहा है कनेक्टिव टिश्यू, और इस सेल का ऑलमोस्ट सरफेस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर का बना होता है, बाकी इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अंदर का पोर्शन बनाता है। तो मेजर पोर्शन जो लगभग 80% इस सेल का वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके फाइन। यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर, यूरेथ्रा कंसिस्ट ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि आपका यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर और यूरेथ्रा। देखिएगा ये बच्चों ध्यान से देखिए, माय लविंग नर्सिंग ऑफिसर, ये आपकी दो किडनी है, ये आपकी दो किडनी है, ये बच्चों यूरेटर है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लेडर है और ये यूरेथ्रा है। इन्होंने पूछा है कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा किसका बना होता है, कौन से टिश्यूज का? स्टेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल, ट्रांजिशनल स्टेटिफाइड का, सिंपल स्क्वायमस टिश्यू और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फटाफट पुट करेगा बच्चों, फटाफट पुट करेगा। यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर, यूरेथ्रा के वाला क्वेश्चन कितनी भी बार रिपीट हो चुका है, इट मे बी अगेन, इट मे बी अगेन। यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर, यूरेथ्रा कंसिस्ट ऑफ स्टेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल, ट्रांजिशनल स्टेटिफाइड, सिंपल स्क्वायमस टिश्यू और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा है, बदमाश बच्चों ने ज्यादातर बी लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ बच्चों ने यहां पर ए सी बी लिखा है, बट बी जिन्होंने लिखा उसका राइट आंसर है, बिकॉज ट्रांजिशनल स्टेटिफाइड एपिथेलियल पियर शेप का होता है। मैंने कहा था एपिथेलियल दो टाइप्स का, सिंपल स्टेटिफाइड, स्टेटिफाइड फर्दर दो टाइप्स का, स्क्वायमस ट्रांजिशनल। याद रखिएगा एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफाइड इंटू टू, सिंपल मतलब सिंगल लेयर, स्टेटिफाइड का मतलब एक से ज्यादा लेयर, स्टेटिफाइड फर्दर दो टाइप्स का, स्क्वायमस स्टेटिफाइड और दूसरा वी कैन से ट्रांजिशनल स्टेटिफाइड। गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन। और कुछ बातें यहां पर मैं आपको शेयर करता हूं बच्चों कि ट्रांजिशनल स्टेटिफाइड का काम क्या। एक तो ये यूरिनरी ऑर्गन को अलाउ करता है स्ट्रेच, मेंटेन प्रोटेक्टिव लाइनिंग, जब यूरिन फ्लो ट्रेवल करता है तो स्ट्रेच करने में मदद करता है। दूसरा अमाउंट ऑफ यूरिन को होल्ड करेगा, क्योंकि स्ट्रेच होगा तो अमाउंट ऑफ यूरिन को होल्ड करने का काम करेगा। दूसरा स्टेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल की बात करें तो ये ज्यादातर स्वेट ग्लैंड में, ईसोफेगस के अंदर या पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में कभी कभी पाया जाता है। और इसका भी काम जो देखेंगे प्रोटेक्शन, लिमिटेड सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। मतलब सीधा है, एग्जाम में हमेशा यूरेटर, यूरिनरी ब्लेड और यूरेथ्रा वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और तुरंत जब ये आता है तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज को याद करना होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज को याद करना होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट। दीपक परमार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके फाइन। एक कभी कभी रेटिकुलर जो मैंने आपको बताया लिवर स्प्लीन बोन में, और कभी कभी व्हाइट फाइबरस टिश्यू पूछते हैं टेंडन और लिगामेंट। याद रखना बच्चों टेंडन जो है और लिगामेंट जो, टेंडन बच्चों बोन को मसल से जोड़ता है और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, याद रखना। फंक्शन बताओ, टेंडन आर रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट बोन एंड मसल्स, लिगामेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट बोन प्लस बोन, बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है बच्चों? दैट वी कैन से लिगामेंट, कौन करता है? लिगामेंट। ओके फाइन। मस्कुलर टिश्यू जो है ये बॉडी के मूवमेंट में रोल प्ले करता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट मैंने नाम पुट किए हैं कि मस्कुलर टिश्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। एक पूछेंगे स्ट्राइटेड मसल्स किसको बोलते हैं, आपने सुना ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशी सुना होगा। मैंने इंग्लिश में लिखा वॉलेंट्रीज का नाम है स्ट्राइटेड मसल्स, मैंने लिखा इनवॉलेंट्रीज का नाम है अनस्ट्राइटेड। वॉलेंट्री के एग्जांपल यदि हम पुट करें तो बच्चों स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल
मसल्स, इनवॉलेंट्री का मैंने कार्डिक मसल लिखा, जो अपने आप काम करती है, जो अपने आप काम करती है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी कि वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, वो मसल्स जिसको आप खुद फंक्शन करवाते हो। हाथ को जब खड़ा करना होगा तभी खड़ा करोगे ना, हाथ को डाउन करना होगा तभी डाउन करोगे, ये वॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री जैसे कार्डियक मसल्स है, वो अपने आप आपके हार्ट को पंप करती रहती है ताकि ब्लड फर्दर एक्सक्रीट आउट हो। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बाद में। बच्चों जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक्स अवेलेबल है। जो बच्चे घर पे नोट्स मंगाना चाहता है वो 9636032691 पे 1600 रुपए को फोन पे और पेटीएम करके अपना एड्रेस भेज सकता है, जहां पर नर्सिंग के कंप्लीट नोट्स थ्योरी इंग्लिश में एनक्लेक्स पैटर्न में घर पे मिलेंगे आपको, और आप अपनी स्टडी को और स्ट्रांग बना सकते हो। और फाइनली बिहार सीएचओ का कोर्स अवेलेबल है, जो बच्चे बिहार सीएचओ का एग्जाम देना चाहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो 999 में कोर्स अवेलेबल है, जिसमें लगभग 2100 पोस्ट आई हुई है। स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्स है, बच्चे इस कोर्स को परचेज करके अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था टिश्यू, हमने फिनिश किया यहाँ पर। सेल अपना ऑलरेडी हो चुका है, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूंगा। एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, थ्योरी आपको पढ़ना है बच्चों, एमसीक्यू फ्री मैं लेके आऊंगा, आपको घर से थ्योरी पढ़ के आना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है, मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, थ्योरी पढ़ के आइएगा, एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा मेरे बच्चों के लिए। बस यूपीपीएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जेआईएनसी से होने चाहिए, उसके लिए मैं जेआईएनसी टीम जेआईएनसी परिवार शिद्दत से मेहनत करें। आप अपनी मेहनत को जारी रखिएगा, दोस्तों को बताइए कि सच में पढ़ना चाहते हो तो जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को चूज करें, हम हमारी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करेंगे। खुश रहिएगा बच्चों, बड़ों का रेस्पेक्ट, माँ बाप की इज्जत जिंदगी में सबसे सर्वोपरि मानिएगा, और हमेशा फेस में स्माइल के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। आज से पहले क्या हुआ उसको भूल के एक नई शुरुआत करिएगा, और आने वाला 2021 सपनों का ईयर है, उस ईयर में अपना सपना पूरा करिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को 3 बजे, नॉर्सेट स्पेशल, एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट करें आज। 3 बजे मिलूंगा बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।